हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू क्रेजी किचन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे आधा कप ग्रेट किया हुआ पनीर और आधा कप ग्रेट किया हुआ आलू, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। साथ ही 2 से 3 ग्रीन चिली, जिसे हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे, आप थोड़ा सा ले सकते हैं, एंड देन उसको हम सब कुछ आपस में मिक्स करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए, इस तरीके आप देख सकते हैं कितना स्मूथ। तो आप अरारोट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर या अरारोट जो भी आप लेंगे उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने फिलिंग के लिए थोड़े से काजू लिए हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें से थोड़ा सा एक बॉल लूँगी और इसे इस शेप में बनाएंगे, बीच में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके बाद हम अपनी काजू को इसकी फिलिंग बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हो, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल काजू का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसे बॉल का शेप देंगे और इसे परफेक्टली बंद कर देंगे, देखिए। और इसको फिर हम कोट करेंगे कॉर्नफ्लावर से या अरारोट से, आप जो भी लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो गया है। ये कोट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फट सकता है। ये देखिए, हमने बॉल इस तरीके से बना के रेडी कर ली है। चलिए मैं आपको दूसरी बॉल भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दूसरी बॉल है, इसे भी हम बीच में फिलिंग करेंगे काजू की और इसे वापस से शेप में बना लेंगे। और ये देखिए, हमारी दूसरी बॉल भी रेडी है। और इस तरीके से हम इस जो हमने रेडी करके रखा है आलू और पनीर का मिक्सचर, इसकी हम सारी बॉल्स जितनी भी आपको चाहिए उतनी बना लेंगे। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसे हम हीट करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी, साथ ही 2 से 3 ब्लैक पेपर, आप लौंग भी डाल सकते हो इसमें। यहाँ मैं 2 से 3 ब्लैक पेपर डाली। अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप किए हुए अनियंस, जो हमने रफली चॉप करके रखे थे, और साथ ही साथ टमाटर और थोड़े से काजू। और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे जब तक हमारा टमाटर अच्छी तरह से मैश नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे। और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है पकने में, तो इसे गैस ऑन करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची भी डाल रही हूँ, 1 से 2 इलायची भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये सारी बॉल्स रेडी करके रखी है, कितनी परफेक्ट शेप में है। तो आप चाहो तो इन बॉल्स को डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसे तेल कम यूज़ होता है, तो मैंने गैस पे कढ़ाई को रखा है, इसे मैंने तेल ज़्यादा नहीं लिया है, डीप फ्राई करने वाला तेल नहीं है ये। बट आप देख सकते हैं कि हम अपनी बॉल्स को शैलो फ्राई कर रहे हैं, और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन या ब्राउन कलर का कोटिंग नहीं आ जाती। आप देखिए, इस तरह की कोटिंग हमें चाहिए। अगर आप डीप फ्राई करोगे तो ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ शैलो फ्राई कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है ये, तो आप इसे शैलो फ्राई करें इस तरीके से। और जैसे ही सब तरफ से इस पर ये ऑरेंज कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में। देखिए, इस तरीके से हम नैपकिन पे इसको निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सोक कर लेगा। ये देखिए, हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी है। तो हमने ये जो ग्रेवी बनाई थी, इसे हम ये ठंडा होने के रख दिया था, ये अब ठंडी हो गई है। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। इसके लिए अगेन मैंने सेम कढ़ाई यूज़ करी है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा बटर। मैं बटर डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँ, अदरवाइज़ बटर जल जाता है। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक कि हमारे जिंजर गार्लिक की जो कच्ची स्मेल है वो निकल नहीं जाती।
इसके बाद हमने जो ये अनियन और टमाटर का मिक्सचर रेडी करके रखा था, इसे हमने मिक्सी में पीस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा कलर इसमें आएगा। यहाँ मैंने एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करिए और इन सबको हम अच्छी तरह से वापस मिला लेंगे। अगर आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर इसे पका लें अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका तेल किनारों से साइड से ऊज आउट ना हो जाए तब तक आप इसे पका लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक करके 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच केचप डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही यहाँ पे मैंने होममेड जो घर पे मलाई होती है वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छी रिचनेस आती है। ये देखिए इसका कलर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर बहुत ही अमेजिंग आया है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में मिलता है ये उस तरीके का कलर यहाँ पे आया है। आप देखिए इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए और इसके बाद चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मलाई कोफ्ते रेडी है। ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए इसमें होममेड क्रीम डाली है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपी है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आप अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए।